लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की दोस्ती ने दिखाई, यूपी में बदल गया पूरा सियासी माहौल। बीजेपी को यूपी में पटखनी देने के बाद अब उठने लगे सवाल, क्या लोकसभा चुनाव के बाद टूटेगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? राहुल अखिलेश की दोस्ती पर बड़ा ऐलान, आप सुनेंगे तो यही कहेंगे वाकई में ऐसा है क्या? यूपी में जिस अंदाज में सपा कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी, उससे उनके कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। मोदी को टारगेट पर लेने के बाद कांग्रेस और सपाइयों के टारगेट पर सीएम योगी हैं। 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बात होने लगी। क्या जिस तरह से अखिलेश के साथ राहुल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ रहे, ठीक उसी तरह से 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी साथ रहेंगे या फिर उससे पहले ही अलग हो जाएंगे? ये चर्चा न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि सपाइयों के बीच भी है। यूपी में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत से उत्साहित सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं, आखिर राहुल अखिलेश की दोस्ती 2027 में रहेगी या फिर अब दोनों फिर से अलग हो जाएंगे? इस मुद्दे पर हालांकि ना तो अभी अखिलेश ने आधिकारिक जवाब दिया और ना ही राहुल की ओर से ही जवाब आया, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि यूपी से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हम विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से अपील करेंगे कि वो रायबरेली सीट से अपना प्रतिनिधित्व बरकरार रखें। यूपी में सपा से गठबंधन में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2009 के बाद इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा और पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक रायबरेली सीट ही जीत पाई थी। अमेठी सीट से भी राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। यूपी में मिली इस जीत बाद अब कांग्रेस ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में भी हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट ना छोड़ें। पार्टी का मानना है कि अगर राहुल गांधी यूपी से सांसद रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अजय राय जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं, जहां वो गांधी परिवार से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के भी रायबरेली पहुँचने की उम्मीद है।